चुनाव से पहले बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी नेता आरती मेहरा हमारे साथ है। आरती जी, बीजेपी को अपनी उपलब्धि पत्र जारी करने के बजाय आरोप पत्र जारी करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सबसे पहले वो आईना बहुत जरूरी है दिखाना दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता को दो साल पहले एक एक वाक्य याद होगा। टीवी पे 12-12 घंटे रहते थे ये, और 70 सूत्री वायदों की बात करते थे। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन्होंने जिस तरह से वादे, हमने एक एक वायदे इनके निकाले। उन वायदों का जो सच था वो आरटीआई से लिया, जो इन्हीं के डिपार्टमेंट से लिया है, और उस सच में से 28 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का चाल, चेहरा, चरित्र सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी उपलब्धियों की बात की, मेरे अपनी उपलब्धियाँ तीनों पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी निगम की आपके सामने लेके आऊंगी, सत्यता के साथ सामने पूरी तरह से लेके आएंगे। आज जरूरी था कि बताना कि वैकल्पिक व्यवस्था देने वाले, ईमानदार प्रशासन देने वाले, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को करने वाले के नाम पे आए ये लोग खुद भ्रष्टाचार में, अपराध में, हर तरह की गलत गतिविधियों में फंसे हुए। VIP कल्चर, जन लोकपाल आपने बनाया ही नहीं, ना के बराबर, अपने आप को उस दायरे से बाहर कर लिया। VIP कल्चर नहीं लूंगा, दो दो घर आवंटित करा दिए। पहले मुख्यमंत्रियों के पास सिर्फ एक होता था, 5-5 गाड़ियों के साथ, ना सिर्फ वो, उनके मंत्री भी चलते हैं। 40% अपनी सैलरी अगर बढ़ा लें तो दिल्ली राज्य की सबसे ज़्यादा वेतन हो जाएगा विधायकों का पूरे देश में। ये थी दिल्ली बीजेपी की नेता आरती मेहरा, जिनका यह दावा था कि केजरीवाल सरकार पर आरोप पत्र के बाद वह MCD में बीजेपी की उपलब्धि पत्र भी लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ योगेश APN, दिल्ली।